मोहित, ये बताएं कि किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे, क्या मुद्दे हैं कि जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? शिक्षा है, रोजगार है और सड़कें हैं, ये सब प्राथमिक मुद्दे हैं। इन सबको देखते हुए जो अभी हमारी राज्य सरकार थी उसमें इस बारे में मतलब इसको जेन्युइनली नहीं लिया है, बहुत हद तक इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब सही से काम नहीं किया है इस बारे में। तो हम चाहेंगे जो हमारे स्थानीय विधायक हो वो सही आदमी आए, अच्छा आदमी आए चुन के, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इन मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं, सभी का यही मानना है। तो सुना आपने साफ तौर से यहाँ की जनता का, यहाँ की आवाम का साफ तौर से कहना है कि जो यहाँ का जनप्रतिनिधि हो वो सही हो, वो विकास के रूप में लोगों को बेरोजगारी ना हो, इस तरीके के काम करें, ऐसा ये जो है जनप्रतिनिधि चाहेंगे। और कहीं ना कहीं साफ तौर से मैं आपको बता दूं कि देखो मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अपने मत का प्रयोग करें। कहीं ना कहीं ये लोक पर्व कहा जाता है, बिल्कुल इसका आप साफ तौर से देख सकते हैं कितनी लंबी भीड़ यहाँ लोगों ने देखिए, 7-8 बजे का यहाँ वोटिंग का टाइम था और 8 बजे से पहले ही लोगों ने यहाँ भीड़ लगा ली थी। अगर बात करें अगर हम चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने लगभग 1729 बूथ में जनपद हरिद्वार को 1729 बूथ में कन्वर्ट किया है। 1729 बूथ पे कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं लगभग सभी लोग अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी